हाय एवरीवन, जैसे कि रिजल्ट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है वो एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ कुछ आपको एडवाइस दे सकूँ जिससे आपका आने वाला अटेम्प्ट जो है क्लियर हो सके। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बात आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए और ये बात को अपने माइंडसेट में आप फिट बैठा दोगे ना, तो ज़रूर से देखिएगा अगली बार आप पास हो जाओगे। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर हम सारे पेपर में हम पास हो गए, सारे पेपर में हमारा 40+ आया है, हम पास जरूर हुए लेकिन हमारा एग्रीगेट नहीं बना जिसके चलते हमारा ग्रुप नहीं निकला। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको लगता है 40 पासिंग मार्क्स है क्या? आपको लगता है 40 से ज़्यादा आ रहा मतलब आप उस पेपर में पास हो गए हो? अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी की आप शिकार हो। मैं आपको बता दूँ, 40 आपको दिमाग में ये डालना है कि 40 आपका पासिंग मार्क्स है ही नहीं, आपका पासिंग मार्क्स है 50 फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट में आप 50 से कम लेके आ रहे हो, डेट मीन्स व्हाट, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को प्रेशराइज कर रहे हो कि वो आपको 50 से ज़्यादा स्कोर करके दे। हम कोशिश सभी पेपर में हम करते ज़्यादा लाने की, पर कितनी बार तकदीर हमारा साथ नहीं देता और जिस पेपर में हम उम्मीद लगाते 60-70 लाना वो हमें नहीं मिलता। तो आपको दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली आपका पासिंग मार्क्स 40 है ही नहीं, इंडिविजुअली आपका पासिंग मार्क्स क्या है, 50 है। और आप बोलोगे सर एग्रीगेट तो 200 है ना? नहीं, एग्रीगेट भी आपका 200 नहीं है, एग्रीगेट आपका मिनिमम 240 होना चाहिए। यानी आप एक बार के लिए दिमाग में ये डाल लीजिए, अगर आपको पास होना है तो आपको ये बातें पागल जैसी लगे जो भी लगे वो आपके ऊपर, अगर आपको पास होना है आप ये समझ लीजिए कि आईसीएआई ने एग्रीगेट 200 नहीं रखा है, आईसीएआई ने एग्रीगेट 240 रखा है फॉर एक सिंगल ग्रुप। दो ग्रुप की बात करोगे तो 240 का 480 हो जाएगा, है ना? और ICA ने हर पेपर में 40 का पासिंग मार्क्स नहीं रखा, हर पेपर में 50 का पासिंग मार्क्स रखा है। आप एक बार ये अप्लाई करके देखिए अपने दिमाग में, एक बार आप ये चीज़ अपने दिमाग में फिट करके देखिए, उसके बाद देखिएगा आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। क्योंकि आप देखिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होते हैं जो मेहनत करते हैं और जो रैंक के लिए सोचते हैं, उनका तो 80 भी आता है 90 भी आता है और पेपर ख़राब होने पर 80 की जगह 60 आ जाता है। हम ज़्यादा टारगेट को हायर रखेंगे ना तो वहाँ तक नहीं भी पहुँचेंगे तो वहाँ से थोड़ा नीचे भी रहेगा हमारा तो भी हम पास हो जाएंगे। वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि टारगेट 240 से ज़्यादा रखिए, 250+ का टारगेट दिमाग में बनाइए या आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और इंडिविजुअली आप सोचिए, आपका पासिंग मार्क्स 40 है ही नहीं, इंडिविजुअली पासिंग मार्क्स 50 है। एक बार ये दिमाग में डाल के उस तरीके से आप पढ़ाई करके देखिए, फिर आप देखिएगा आपका रिजल्ट जरूर क्लियर होगा, क्योंकि आप बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप ज़्यादा ऊँचा सोच रहे हो। तो आप ज़्यादा ऊंचा सोचोगे तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंगली। कि कई सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे के आते वो सोचते हैं हाँ आज के पेपर में मैं पास हो जाऊँगा, नेक्स्ट पेपर भी दे के आते हैं हाँ आज के पेपर में मैं पास हो जाऊँगा। अरे पास होने से थोड़ी ना चलेगा, हमें भी पता है एग्रीगेट नहीं बनेगा हमारा। तो आपको 40 के बारे में आज से सोचना नहीं, आज से आपको सोचना है 50, सिंगल पेपर पे मिनिमम 50 लाना है और टारगेट तो हर पेपर का 60+ ही करोगे, लेकिन आप अपने दिमाग में डालोगे कि आपका 50 ही पासिंग मार्क्स है और ओवरऑल 240 है। ये एक बार आप दिमाग में अप्लाई कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लीजिए और वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आईसी के मटेरियल को पूरा कवर करके जाइए, देन देखिएगा डेफिनेटली आपका ग्रुप निकलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से एंड नवंबर अटेम्प्ट में आप जरूर से पास हो जाओगे। चलिए ठीक है, बस इतना ही मैसेज आपको देना था, थैंक यू सो मच।